ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरोग्य में और जैसे कि हमारे शो की परंपरा है कि हम आपके पेशेंट से इंटरव्यू करते हैं उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं तो ऐसे एक और पेशेंट हैं जिनका हमने इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए आइए देखते हैं कौन है जी माई नेम इ Uh, i am very happy to uh, be patient with uh, dr. kumar because uh, this medicine very helped me and very help uh, my health. Uh, i have um, pain in my uh, heart and uh, my um, stomach and now i feel uh, better and i feel um, very good. Mm -hmm. रशिया से एना हार्ट और पेट में इनको दर्द रहता था और जैसा कि हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे फैंस हैं आपके पेशेंट्स जो आपको बेानतहा प्यार करते हैं इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं तो किस तरह से ये आपके पास पहुंचे और जो भी इनको प्रॉब्लम थी वो किस कारण से थी और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया रिचा जी एक बीमारी पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाहर के देशों में बहुत होती थी तनाव की डिप्रेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था लेकिन बड़े दुख की बात है कि यह बीमारी अब हमारे देश में भी आ गई हर आदमी अधिकतर आदमियों को आप देखेंगे चेहरे पर उनके जान नहीं है एक उदासी एक तनाव अलग से चमकता है शायद भौतिकता का एक कारण है वहाँ हर आदमी तनाव में जीता था दूसरा एक बीमारी है विटामिन डी की कमी वहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे तो वहाँ पर बहुत से लोग एक इसकी पिल्स के ऊपर डिपेंड हैं और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में सूर्य देवता की असीम कृपा है लेकिन हम उस कृपा का लाभ नहीं उठाते और कोशिश करते हैं कि हम टैबलेट या पिल्स के ऊपर डिपेंड रहें जो कि बहुत गलत है आपने देखा होगा कि सूरज को जल देने से हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बढ़ती है अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब सूरज निकल रहा हो आप 15 मिनट उस रोशनी में जरूर बैठें आपका शरीर विटामिन डू डी को कैप्चर करेगा और तनाव जो हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान हो गया है यह बीमारी वहाँ से बहुत तेजी से हमारे यहाँ आ गई और ये भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इस बीमारी के कई और कारण भी हैं हम बिना भूख के यदि भोजन करें तो हमारे पेट में दिक्कत आने लगती है और कुछ वेग धारणीय होते हैं उनको धारण नहीं करना चाहिए अक्सर आपने देखा होगा भूख लग रही है नहीं खा पाते सोच की इच्छा हो रही है प्रेशर बन रहा है हम नहीं कर पाते पेशाब आ रहा है हम नहीं कर पाते या गैस पास होने को हो तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं इन चीजों के बहुत ज्यादा नुकसान है क्षुदा बिना भोजन करे शोक अपार वेगों के अवरोध से आयम का संचार जनित हद रोग में अग्नि अग्निमान उद्भाव तन अकड़न मुख मिष्ट हो अरुचि श्रेशमाश्राओ तो अक्सर ये दिक्कत तभी होती है जब हम बहुत ज़्यादा अपने वेग को रोकें बिना भूख के सेवन के खाना खाएं और बिना मतलब कि चिंता शोक बहुत करें तो इनके साथ भी ये दिक्कत थी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और इनकी पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी जिसके कारण ये बहुत घबराहट और परेशानी महसूस करती थी दूसरा इनको मासिक के समय पीरियड के समय पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था जिसके कारण ये परेशान रहती थी और तीसरा वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने देखा जो लोग मेरे टच में आए 90 परसेंट लोगों को कब्ज़ की बहुत शिकायत रहती है इसीलिए वो लोग हमारे त्रिफले के बहुत ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं त्रिफला नीम गिलोय और अर्जुन इन चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा शौकीन बनते जा रहे हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बड़े दुख की बात है हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं तो पेट की दिक्कत जो इनको गायनिक ट्रबल थी पीरियड की समस्या थी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत थी उसके लिए मैंने इनको रत्न गर्भा और कामनी मुंडन रस और तीसरा पीरियड के समय जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते थे उसके लिए प्रदर रिपू इन तीनों का दिन में दो बार मैंने प्रयोग कराया और दूसरा जो घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी दिल की दिक्कत थी उसमें अर्जुन घन और दूसरा जवाहर मोरा होल दिल जवाहर मोरा होल दिल में मुक्ता शुक्ति प्रवाल पिष्टि अर्जुन और अर्जुन का क्वात इत्यादि से ये दवा बनती है दिल की ताकत के लिए बीपी अप हो डाउन हो पल्पिटेशन हो घबराहट रहती हो उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है मैंने इनको होल दिल जवाल मोरा होल दिल और अर्जुन घन की ये दिन में दो बार दो दो गोली सेवन करने के लिए दी और साथ में जो कोष्ठबद्धता उसके लिए प्रवाही चूर्ण मैंने इनको प्रयोग में दिया इनकी कोष्ठ शुद्धि होने लगी दिल को ताकत मिली डिप्रेशन इनका कम हुआ और पीरियड्स की समस्या रतन कामनी मुंडन से और पर्दा रिपू से धीरे धीरे कम हुई और दो तीन महीने में ही आपने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से काफी स्वस्थ हुई बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए उनसे बात करते हैं जी हेलो हेलो हा, जी कौन बोल रहे हैं हम सुभाष राम जी बोल रहे हैं कहा से बिहार बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? मेरे पैर में सूजन आ गई थी जी और साथ साथ कुछ हल्का दर्द भी जैसा महसूस होता है जी आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता नहीं ब्लड प्रेशर तो ऐसे नहीं है मगर ऐसे शायद हो भी सकता है तो भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में खड़ा रहना या बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में बैठे रहने की स्थिति तो आपकी नहीं है नहीं, नहीं, ऐसी तो नहीं है और पेशाब खुल के आता है हाँ पेशाब तो खुल करके आता है जी और पेट साफ रहता है हाँ, पेट साफ रहता है। दिन में दो बार पंचामृत मंडूर शिलाजीत वटी और महायोगराज गुग्गुल इन तीनों की दिन में दो बार दो दो गोली सेवन करें आपको नहीं मालूम कि आपका बीपी हाई है या लो है कितना है आपने कहा कि हो भी सकता है मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर एक बार चेक कराएं और यदि काफ़ी बढ़ावा निकले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लीवर फंक्शन टेस्ट एल और दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट की ज़रूर करा लें और साथ में यूरिन एक बार रूटीन चेक करा लें जिससे पता लग जाए किस कारण से हो रहा है कई बार हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में खड़े रहें

दूर करे सब रोग जीरा उसमें डाल कर पिए सदा यह भोग यदि हम भोजन के बाद मट्ठे के अंदर छाछ के अंदर हींग सेंधा नमक और जीरा डाल करके सेवन करें तो हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत होगा ही शरीर से काफ़ी हद तक बीमारियों का निवारण भी होगा दूर होंगी गैस नहीं बनेगी और शरीर में जान आएगी और हमारा इम्यून सिस्टम भी निश्चित रूप से मजबूत होगा बहुत बहुत शुक्रिया जी आप यहाँ पर आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और आपने हमारे दर्शकों की जो कॉल्स हैं उन्हें अटेंड किया उनको सोल्यूशन दिया थैंक यू सो मच धन्यवाद तो मुझे पूरा यकीन है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी समस्या है तो इन नंबर्स पे कॉल करना मत भूलिएगा जो लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वैद्य का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से है जहाँ पर आरोग्य के सभी एपिसोड अवेलेबल हैं तो आप अपना ख्याल रखिएगा फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ ताकि आपका जीवन हो निरोगी नमस्कार नमस्कार